हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एक्सरसाइज 1F सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का सेकंड है। ओके, तो ये आर्यस अग्रवाल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंपल बनाना। ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका जो एक्सप्रेशन, इसको हमें सिंपल करना है। तो बहुत आसान है, केवल हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसको। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है 1/√3 + √2, ये इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 1/√3 + √2। इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में √3 - √2 से। और ये जो √3 - √2 है, इसको बोलते हैं कंजुगेट। किसका, √3 + √2 का। ओके, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और यहाँ पे हो जाएगा -√2। तो पहले हमें कर लिया, फिर माइनस जो ये वाला माइनस है, और ये हो जाएगा 2/, हो जाएगा √5 - √3। अब देखिए √5 - √3 का कंजुगेट क्या होता है, केवल हम प्लस साइन कर देते हैं 5, और यहाँ पर हो जाएगा +√3/, यहाँ पर हो जाएगा √5 + √3। ओके, तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। फिर माइनस ये 3/ है √2 - √5। अब हम क्या करेंगे कि √2 - √5 का कंजुगेट क्या होता है, √2 + √5। देखिए ये जो √2 + √5 है ना, इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर भी है। किसका, √2 - √5 का। तो ये हो गया √2 + √5। अब ऐसा कर दिए हम, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 में, तो उतना ही आएगा, मतलब √3 - √2 ही आएगा। अपान नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे जो एक फॉर्मूला लग जाएगा, और वो फॉर्मूला ये लगेगा, ध्यान से देखिएगा। राइट कॉर्नर में यहाँ पर देखिए a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे होता है, हम जानते हैं कि a + b में जब मल्टीप्लाई करते हैं a - b से, तो इतना हो जाता है a² - b², तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, और उसके अनुसार हो जाएगा √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 × ये हो जाएगा √5 + √3 अपान, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, तो √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 × ये ब्रैकेट में ले लेते हैं √2 + √5 होल अपान, यहाँ पे फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। ओके ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि बस इसको स्क्वायर कर देना है, तो ये √3 - √2 हो गया अपान, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है क्योंकि रूट से बाहर बस निकल जाता है, और माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है माइनस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो 2√5। अच्छा अभी मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि माइनस से अभी गड़बड़ हो जाएगा, तो 2√5, इसको अभी ब्रैकेट में रखते हैं, 2√5 + √3 अपान, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 5 - 3, 5 - 3 माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 times, ये हो जाएगा √2 + √5। ओके अपान, नीचे क्या आ जाएगा, 2 - 5 क्योंकि स्क्वायर कर दिए। ओके, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर में जितना भी है, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, केवल यही बच गया, मतलब √3 - √2 बचा माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 आएगा,
और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस टू से, जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ग्रेट माइनस। अब यहाँ देखिए, टू में से जब फाइव कटाएंगे तो माइनस थ्री आएगा, ये एक्चुअली क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा, और माइनस थ्री से ये थ्री कट जाएगा, ये माइनस जो है ये कट करके यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो गया, और प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा रूट टू प्लस रूट फाइव। तो अब ये हमारा ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हो गया रूट थ्री माइनस रूट टू, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री, फिर ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट टू ही रहेगा और प्लस रूट फाइव। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया था इसमें तो माइनस आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ओके। फिर हमने फिर इस माइनस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है कि अब देखिए कि सेम क्वांटिटी कहाँ पे है, मतलब लाइक टर्म्स कहाँ हैं और अपोजिट साइन है कि नहीं। देखिए रूट फाइव और रूट फाइव, या रूट टू और रूट टू, ये रूट थ्री और रूट थ्री, ये सारे सारे सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं और लाइक टर्म्स है। देखिए रूट थ्री रूट थ्री, रूट टू रूट टू, रूट फाइव मतलब माइनस रूट फाइव और प्लस रूट फाइव, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा। मतलब कि देखिए हम जीरो को लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और वो इस प्रकार लिख सकते हैं, इतना ऐसा कॉम्प्लेक्स। तो केवल सिंप्लीफाई करना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।